आपका स्वागत है आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में और मैं मनीष शर्मा आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11th और 12th के फिजिक्स एंड मैथ के लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो जो ये देख रहे हो पहले, वो ज़रूर फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देख लें ताकि आप इसको आगे रिलेट कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 7.1 में हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। तो 6 एग्जाम्पल क्या है देखा जाए, 6 एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4e^3x + 1 dx। ये क्या बन जाएगा, 4 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, e^3x dx प्लस क्या लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 4। अब e^3x का इंटीग्रेशन अभी कैसे सिखा रहा था मैं कि e^3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e^3x / x का कोफिशिएंट 3 प्लस इंटीग्रेशन d घटा x, ये बन गया 4/3 e^3x + x + क्या लिख दिया हमने, c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है हमें, एग्जांपल 7 के हिसाब से देखा जाए तो एग्जांपल 7 में है इंटीग्रेशन ऑफ x2, ठीक है, एग्जांपल 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x2 - 1 upon x2 dx, ठीक है, x2 - 1/x2 dx। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पहले तो x2 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, ठीक है, तो x2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x2 dx - x2 - 1/x2 हो गया 1 dx। अब x^2 का इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूँ, x^2 + 1/2 + 1, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और लगा दिए c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है हमें, एग्जांपल 8 के हिसाब से ax² + bx + c का इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, यहां क्या बन गया x²dx + b, कांस्टेंट बाहर निकाले, x dx + c, इंटीग्रेशन क्या लिख दिया dx। अब a × x^2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 + 1 प्लस b × x^1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x^2/2 और c, इंटीग्रेशन d कट गया x, और लास्ट में कोई है ना, यहाँ c नहीं लगाऊंगा मैं, कोई p लगाऊंगा, और p यहाँ पे क्या है मेरा, p है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हुए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों। चलिए एग्जांपल 8 के बाद आते हैं एग्जांपल नंबर 9 देखने। एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है 2x² + e^x · dx, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 × x²dx + (e^x dx), समरूल लगाया, स्प्लिट किया। अब x^2 का इंटीग्रेशन x^2 + 1/2 + 1 दैट इज x³/3, और e^x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e^x, तो ये लिख दिया हमने 2/3 × x³ + e^x + क्या लिख दिया c, c है मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलिए अगला एग्जांपल, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x² dx। चलिए तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a² + b²
तो ए स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, बी स्क्वायर 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स हो गया, माइनस 2ab तो इनटू dx। अब ये क्या बन गया, x dx से मल्टीप्लाई हुआ तो x dx हो गया, फिर 1 बाय x dx से मल्टीप्लाई हुआ 1 बाय x dx हो गया, माइनस 2 रूट एक्स से रूट एक्स गया, क्या बच गया dx। अब x अपॉन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 1 बाय x, किसको डिफरेंशिएट किया था कि 1 बाय x आया था, log x को, और यहां बन गया माइनस 2, इंटीग्रेशन d कटा तो 2 हो गया 2x प्लस क्या लिख दिया गया c। ये हुआ एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.1। अगला पे आते हैं बात करने क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 के हिसाब से देखें तो एक्स क्यूब प्लस क्या लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास x स्क्वायर dx। अब क्या होगा, x क्यूब के नीचे x स्क्वायर आया, x क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 5 हो गया, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर और माइनस 4 बाय क्या लिख दिया हमने x स्क्वायर dx। अब x क्यूब बाय x स्क्वायर तो x हो गया तो x dx, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया 5dx, माइनस 4 बार आया और dx बाय क्या लिख दिया हमने x स्क्वायर, x का पावर 1 का इंटीग्रेशन हो गया x का पावर 2 बाय 2 प्लस 5, इंटीग्रेशन d कट गया x माइनस 4, इंटीग्रेशन x का पावर माइनस 2 dx, ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस 4 x का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 बाय x माइनस माइनस प्लस और 1 बाय x, और क्या हो गया प्लस c, c रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलिए एग्जांपल 11 के बाद आते हुए एग्जांपल नंबर 12 पे, तो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमें x क्यूब, देखें क्वेश्चन 12 है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस हमारे पास 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x dx, ठीक है। अब यहां से क्या बन गया मेरे पास x क्यूब के नीचे रूट एक्स आएगा तो x क्यूब बाय रूट एक्स dx हो गया, फिर प्लस 3 बार आया x के नीचे रूट एक्स आया और प्लस 4 बार आया 1 बाय रूट एक्स dx बन गया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, पावर 1 बाय 2 ऊपर आएगा तो x अपॉन 3 माइनस 1 बाय 2 हो गया dx प्लस 3 x अपॉन 1 नीचे x अपॉन 1 बाय 2 ये बन गया 1 माइनस 1 बाय 2, और वैसे ही 4 x अपॉन 1 बाय 2 ऊपर जाएगा मेरे पास क्या बन जाएगा x अपॉन माइनस 1 बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 6 माइनस 1 इज 5 बाय 2 dx प्लस 3 x अपॉन 1 बाय 2 बनेगा, 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 बाय 2, एंड वैसे इसको लिख सकता हूँ x अपॉन माइनस 1 बाय 2। अब फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का फॉर्मूला होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या जानते हैं n प्लस 1। अब x पावर 5 बाय 2 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या जान रहे हैं अपने 5 बाय 2 प्लस 1 दैट इज कितना बन के आ गया मेरे पास 7 बाय 2, और नीचे क्या लिख दिया 7 बाय 2 प्लस 3 x पावर 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन कर दिए 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 प्लस 1, एंड वैसे ही यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 x पावर माइनस 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन हो गया 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 मतलब 1 बाय 2 बाय 1 बाय 2, तो ये 2 ऊपर गया ये बन रहा है 2 बाय 7 x पावर 7 बाय 2 प्लस 2 क्योंकि 3 से 3 कट गया 2
एक्सा पावर कितना आ गया 3/2 प्लस 8 एक्सा पावर 1/2 और लास्ट में क्या लगा दो सी। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x-1 डिवाइडेड बाय x-1 dx। तो आप पहले तो काम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे x³ माइनस x² से कॉमन क्या आ जाएगा x² बचेगा क्या x-1 और वैसे यहां से 1 क्या बचा x-1 नीचे क्या पड़ा हुआ है x-1 into dx। अब ऊपर x-1 कॉमन निकाल लें बचा क्या x² प्लस 1 और नीचे क्या पड़ा हुआ है x-1 dx। x-1 से x-1 कट गया क्या बना मेरा x² प्लस 1 dx। अब x का पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है x का पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लास्ट में क्या लगाना ना भूले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। चलिए अगला एग्जांपल आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने। तो 14 क्वेश्चन नंबर 1 माइनस एक्स रूट एक्स डीएक्स। तो क्या किया जाए रूट एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो रूट एक्स डीएक्स और ये बन गया एक्स रूट एक्स डीएक्स। ये लिखा हुआ है एक्स अपॉर 1/2 डीएक्स और ये लिखा हुआ है एक्स अपॉर 1 प्लस 1/2 डेट इज 3/2 हो गया। अब एक्स अपॉर 1/2 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 और x अपॉर 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 ये बन रहा है मेरे पास 2/3 x अपॉर 3/2 माइनस 2/5 x अपॉर 5/2 और लास्ट में क्या लगा दिया एक c। c रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें देखा जाए 15 क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा जा रहा है रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 डीएक्स। ठीक है तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं यहां पे ये इससे मल्टीप्लाई ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास 3x² रूट एक्स बन गया फिर 2x इंटू रूट एक्स बन गया और फिर 3 इंटू रूट एक्स डीएक्स। अब 3 तो बाहर आया एक्स अपॉर 2 प्लस 1/2 क्या बन गया 5/2 डीएक्स फिर 2 बाहर आया एक्स अपॉर 1 प्लस 1/2 क्या बन गया एक्स अपॉर 3/2 और वैसे ही यहां पे 3 बाहर आया और एक्स अपॉर क्या बना हुआ है 1/2। अब इसको क्या लिख सकता हूं एक्स अपॉर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 ठीक है वैसे ही 2 एक्स अपॉर 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 और वैसे ही एक्स अपॉर 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 तो ये बन गया 6/7 एक्स अपॉर 7/2 प्लस 4/5 एक्स अपॉर 5/2 प्लस 2 एक्स अपॉर 3/2 और लास्ट में क्या लगा दोगे C रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कमेंट कीजिए आपको इसमें और क्या चाहिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए ताकि ये लेक्चर ये चैनल और बढ़े और ऐसे हम अच्छे वीडियोज़ कॉन्स्टेंटली डालते रहें। तो कल मिलते हैं।